एक इतना खांटी पॉलिटिशियन जो भर्ती घोटाला था उस पर कुछ नहीं बोलता, वो विधानसभा के मामले में कभी नहीं बोलता, ऐसा क्या हुआ? आप अज्ञातवास में चले गए थे या आपने अपने को अपने का बहुत पॉलिटिक्स हो गई, कांग्रेस की इनफाइटिंग से बाहर ही रहना ज़्यादा अच्छा है? लोग कह रहे हैं जब बॉबी पवार सड़क पे थे, ज्योत सिंह गुनसोला कहाँ थे? उन्होंने कभी बेरोजगारों की आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने अंकिता भंडारी के लिए कभी कोई बात नहीं की, उन्होंने भू कानून को लेकर कभी खुल के मीडिया के सामने नहीं आए। यंग बॉबी पवार के बारे में अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एफिलिएशन आपका क्या कहना है? सर, जब विस्थापितों की बात आती है टिहरी के, फिर मैं देखता हूँ, मैं सर्च कर रहा था, ज्योत सिंह गुनसोला का कोई ऐसा बयान नहीं आया कि साहब मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके अधिकारों के लिए लड़ूंगा। आप क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के भी अध्यक्ष रहे, तो इस बार आपका फेवरेट शॉट क्या है राजनीति के मैदान में? सीधा बोर्ड। जब कोई नहीं मिला तो बोले ज्योत सिंह गुनसोला को ले आओ? नहीं, एक्चुअली ये मेरी ख्वाहिश थी बहुत पुरानी, 1980 में जब मैं लोकसभा के अंदर गया था दिल्ली, तो मैंने हीरा सिंह बिश जी को कहा, मैंने कहा हीरा दा एक दफ़े इस सदन में आना है एनी हाउ। आपने वो गणेश जोशी जी जो मसूरी के विधायक हैं, अभी मंत्री हैं, उनका बयान सुना? अरे ये किस लिए चुनाव में आ गया, ये तो कहीं दूर दूर तक नहीं था। वो मंत्री हैं, विधायक हैं, और भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि जब भी बात करें सोच समझ कर बात करें। मुझसे कहते हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अरे मुझसे बूढ़ी तो है रानी साहिबाई 1950 की, मैं तो 54 का हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रमेश भट्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देवभूमि डायलॉग एक पूरी सीरीज लेके आया है, जिसमें हम जितने भी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके साथ साक्षात्कार कर रहे हैं, ताकि हम आपको बता पाएं वो क्या सोचते हैं ग्राउंड जीरो में, उनको कैसा रिएक्शन मिल रहा है, उनका विजन क्या है उस लोकसभा सीट के लिए। और आज देवभूमि डायलॉग के मंच पे हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं, टिहरी लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योत सिंह गुनसोला जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है गुनसोला जी समय देने के लिए। मैं जानता हूँ चुनावी दौर में बहुत बिजी शेड्यूल के बाद भी आप आए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपको टिकट मिला, ये सरप्राइज था या आप पहले से ही मन मना के बैठे थे कि नहीं सर इस बार टिकट लेना और कांग्रेस की ओर से मैदान में उतरना है, या बाय डिफॉल्ट आपको जब कोई नहीं मिला तो बोले ज्योत सिंह गुनसोला को ले आओ? नहीं, एक्चुअली ये मेरी ख्वाहिश थी बहुत पुरानी, 1980 में जब मैं लोकसभा के अंदर गया था दिल्ली, हरीश रावत हमारे जो हैं मेंबर पार्लियामेंट बने थे, हम तीन लोग एक साथ के थे, हीरा सिंह बिश और हरीश रावत। तो हरीश रावत जी ने कहा कि भाई चलो आज आप संसद देखिए, दर्शक दीर्घ का मैं पास बना के लाया हूँ, मेरा क्वेश्चन आवर में मेरा वो है। तो हम दर्शक दीर्घ का चले गए, वो अपना सदन में चले गए। तो सदन में जाने के बाद जिस तरह से पुख्ता तरीके वो सदन का स्वरूप देखा और उनकी निडर आवाज़ देखी जब उन्होंने अपनी बात को रखा, तो मैंने हीरा सिंह बिश जी को कहा, मैंने कहा हीरा दा एक दफ़े इस सदन में आना है एनी हाउ, जब भी मौका लगेगा। और मैं संकल्प ले चुका था कि मैं एक दफ़े इस सदन में आऊँगा और बेस्ट पार्लियामेंटरी का अवार्ड लूँगा। तो अभी आपकी एज क्या हो गई होगी? 71 में साल में भी आपने वो ख्वाब जिंदा रखा है। मैं बिल्कुल रखा है। तो पब्लिक क्या कह रही है, वो उसके मन में है कि आपको पहुंचाना है? आपने कहानी सुनाई दर्शक दीर्घा वाली कि कैसे मेरे मन में पार्लियामेंटेरियन बनने का ख्वाब आया? जी हाँ, ये भी हुई। और जनता इस समय कुछ अलग से करना चाहती है, और टिहरी लोकसभा की जनता तो बिल्कुल मन बना चुकी है कि भाई आपके परिवर्तन होना है। राजा और प्रजा के बीच की लड़ाई हो रही है ना, राजा रानी एक तरफ है, प्रजा एक तरफ है, प्रजा अनेक है, रानी एक है। तो इस तरह के स्वरूप बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि मैं जब उत्तरकाशी में तिलाड़ी बड़कोट में गया, बहुत बड़ा हुजूम वहाँ पर इकट्ठा था और वो लोग आए, तो मैंने कहा भाई, कहने लगे साहब क्या है, मैंने कहा भाई मैं पहले तो तिलाड़ी के शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने रियासत के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया था और 30 लोग शहीद हो गए थे राजा की जाति। बट गुनसोला जी, हर बार कांग्रेस पार्टी कहती है साहब लड़ाई जो है राजा और प्रजा के बीच है, लेकिन हर बार मैं देखता हूँ अगर प्रजा कहे तो प्रजा जो है वो उसी राजा को चुन लेती है। शायद अब
वो अवसर नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। आप मुझे ये बताइए कि ये जो बीच में चर्चा चल रही थी कि साहब बड़े लीडर्स चुनाव नहीं लड़ना चाहते, और आपने 2012 का मुझे जितना है 2007 से 2012 तक, या 2002 से 2007, 2007 से 2012 तक आप एमएलए रहे, उसके बाद आपने कोई चुनाव नहीं लड़ा, तो वो कनेक्टिविटी आपके कार्यकर्ताओं से अभी भी है या वो दोबारा आप कोशिश कर रहे हैं उसको बनाने की? कनेक्टिविटी मेरे, मैं चुनाव 12 का हार चुका था, और 12 के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस का सरकार बनी है। कांग्रेस के सरकार में भी मुझे अवसर मिला काम करने का, और कनेक्टिविटी लोगों के साथ बनी रही। मैं वागुना जी के टाइम में भी रहा, फिर उसके बाद हरीश रावत का टाइम आया, उन्होंने भी जो है कल्चर अफेयर्स का जो है मुझे ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बना दिया, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया, मैं उसको लेके लोगों के बीच में जाता रहा। कनेक्टिविटी तो है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि इस कनेक्टिविटी का लाभ इस टिहरी की जनता को मिलना चाहिए। टिहरी लोकसभा की क्षेत्र की जनता, इसका स्वरूप बहुत आसान है। मैं प्रताप नगर तहसील में, आपका वहाँ का निवास है, म्योंडा गांव में मैं पैदा हुआ, मेरी शिक्षा दीक्षा मसूरी में हुई, मेरी कर्म क्षेत्र देहरादून रहा, तो इस तरह से ये सामंजस्य बनता चला गया। और लोगों में वो कहा जाता है ना, मसूरी से कभी बाहर नहीं निकले, मैं रोज देहरादून था, मसूरी से बाहर निकलने का, देहरादून तो आधा देहरादून तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। पहले मैं यहाँ से मसूरी से प्रेमनगर तक था 2002 वाले में, उसके बाद जो है राजपुर का पूरा क्षेत्र जुड़ा। ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट है आपको? बिल्कुल, पूरा ऑर्गेनाइजेशन को मैंने कहा है, भाई देखिए आप लोग जहाँ जहाँ तक अपनी संगठन को फैला सकते हैं आप फैलाइए, मेरे साथ जो है कुछ चुने हुए पार्षद हैं, सभासद हैं, चेयरमैन हैं, तो वो लोग भी अपने अपने स्तर पर इस कार्य में लगे हैं, हारे हुए भी और जीते हुए भी। बट आपको इन सब से झटका लगा, जैसे पुरोला से मालचंद चले गए, धनौल्टी से जोत सिंह भी पहले ही चले गए, धन सिंह नेगी टिहरी से चले गए, आपके गंगोत्री से आपने विजयपाल सजमाण चले गए, तो बीजेपी में ज्वाइन कर लिया, तो आपको इससे झटका लगा? जिन्हें आपको चुनाव लड़ाना था वो पहले ही बीजेपी के पाले में चले गए? अब ये तो उनका स्वयं का निर्णय था, और स्वयं के निर्णय में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ी, मुझे जुझारूपन दिखाना पड़ा कि मेरे साथ अगर कुछ लोग कम हुए हैं तो कुछ जुड़ भी रहे। बट सर, मैं जितना आपको फॉलो करता हूँ, मुझे आपके साथ प्रीतम सिंह नहीं दिखाई देते, नामांकन में केवल नवप्रधा दिखाई दिए, आर्यन शर्मा आपके साथ मुझे नहीं दिखाई दिए, गोदावरी थापली राजकुमार ये सब लोग आपके साथ हैं? सब लोग थे और नामांकन में थे। नामांकन के बाद की बात कर रहा हूँ, नामांकन में तो चलो फोटो खिंचाने आ गए। नहीं 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 नहीं, पूरे जोर तरीके से थे, उसके बाद तो मैं करके आ रहा हूँ। मैंने 27 तारीख को, 26 को नामांकन था, 27 को सहसपुर में, पूरा सहसपुर में आर्यन शर्मा और तमाम लोग साथ थे। 28 में जो है नव प्रभात विकासनगर में थे, है ना, और 31 तारीख को चक्रौता में प्रीतम सिंह और तमाम लोग साथ हैं, पूरे दौरे पे साथ रहेंगे प्रीतम सिंह। कहीं ऐसा तो नहीं आपको फंसा दिया, अब आपको लग रहा है यार मुझे फंसा दिया इन सब लोगों ने मिलके? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं कुछ नहीं, इस बार ख्वाब पूरा हो, बिल्कुल। जोत सिंह गुनसोला का 1980s में देखा गया दर्शक दीर्घा से पार्लियामेंटेरियन बनने का ख्वाब 2024 में पूरा होगा। उस कड़ी में ये हुआ था कि मैं असेंबली में भी बेस्ट एमएलए का अवार्ड ले चुका हूँ 2010 का। अच्छा, इसी मैं उत्तराखंड की असेंबली में। बट सर, आपके साथ आपकी जो, जैसे कि हम देख रहे हैं एक त्रिकोणी फाइट चल रही है, एक यंग बॉबी पवार जो हैं वो मैदान में हैं, और मैं खुद जानता हूँ कि मैंने उन्हें देखा है सड़कों पे लाठी खाते हुए, घसीटते हुए, जेल जाते हुए, युवाओं के मुद्दे उठाते हुए। तो लोग कह रहे हैं जब बॉबी पवार सड़क पे थे, जोत सिंह गुनसोला कहाँ थे? उन्होंने कभी बेरोजगारों की आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने अंकिता भंडारी के लिए कभी कोई बात नहीं की, उन्होंने भू कानून को लेकर कभी खुल के मीडिया के सामने नहीं आए। जो लार्जर इश्यूज थे स्टेट के, उसमें जोत सिंह गुनसोला का कोई रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला। तो क्या आपको लग रहा है कि जोत सिंह गुनसोला इन इश्यूज पे थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए? संभवतः अगर सीधा नहीं उठाया तो संगठन ने सारे मुद्दे उठाए, और जिनको ये थोड़ा सा गलतफहमी है, मैंने 1977 में लाठी खाई, जेल गया, 77 से 78 तक कांग्रेस पार्टी के लिए जेल गया, इंदिरा जी के लिए जेल गया,
और 80 में इंदिरा जी की सरकार बनी है ना, 1994 में इसी प्रदेश की इस राज्य को बनाने के लिए मैं जेल गया, लाठी खाई है ना, और जन आंदोलन से जुड़ा रहा। सवाल इस बात का है, मैंने अंकिता भंडारी का भी सवाल उठाया, अभी मैं जब चल रहा हूँ तो अंकिता भंडारी का भी सवाल है, भू कानून की भी बात है, जंगल और जीव उसकी भी बात है, ये तमाम मुद्दे। और अब तो अवसर मिलेगा मुझको ना, जनता अगर मुझे सदन में भेजती तो ये सदन के मुद्दे हैं, भारत की संसद में ये गरजने का अवसर मिलेगा। तो आपने कभी जो रानी जी है उनको डिबेट के लिए ललकारा कि आइए डिबेट करते हैं टिहरी को लेकर, आप क्या सोचती है मैं क्या सोचता हूँ? मैं समझता हूँ कि मैं तो डिबेट के लिए ललकारूँगा नहीं, जनता उनको ललकार रही है, कह रही है कि हम रानी को कभी देखे नहीं, कभी भले बुरे में कभी आए नहीं, किसी मुद्दे पर बात नहीं की, तो अब मैं उनको ललकार के क्या करूँगा। यंग बॉबी पवार के बारे में अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एफिलिएशन आपका क्या कहना है? ठीक है, नौजवानों की आवाज़ उठनी चाहिए और मैं भी उठा रहा हूँ, वो भी उठाए और उसको बल मिलेगा। ऐसा तो नहीं वो आपके वोट बैंक को नुकसान पहुँचा रहे हो? वोट बैंक को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि जनता का जो रुझान है वो रुझान मुझको मदद ही करेगा, वो क्योंकि वो बीजेपी के सत्ता में बैठे हुए डबल इंजन की सरकार से जवाब मांग रहा है, रोजगार तो उससे मांग रहा है, मुझसे तो रोजगार की इच्छा आज नहीं है, जब मैं सड़क पर नहीं हूँ, सदन में हूँगा, सरकार में हूँगा, तो स्वाभाविक ही मुझसे भी मांगा जाएगा। ये आपको बेनिफिट कर रहा है मुझे लगता है। सर, आपके लिए टिहरी के बड़े मुद्दे क्या हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। टिहरी का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पलायन को रोकना है, नौजवान पढ़ लिख कर जो है डिग्री और पीजी कर रहा है, आईटीआई कर रहा है, पॉलिटेक्निक कर रहा है, लेकिन वो उसके हाथ को अब रोजगार के अवसर नहीं है। तो पहला मुद्दा है कि पलायन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि टिहरी लेक एक ऐसी लेक है जहाँ पर हम एक अच्छी सी मास्टर प्लान बनाकर चार छोटे छोटे टाउनशिप डेवलप करें, स्थानीय लोगों को उसमें जो है भागीदार बनाएं, नौजवानों को रोजगार की बात करें। 42 किलोमीटर की लेक है जो विश्व की सबसे बड़ी लेक हो सकती है, पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र हो सकता है, रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, जब रोजगार मिलेगा तो पलायन जो है स्वतः ही दूर हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं जो टिहरी लेक है वो एक बड़ा केंद्र टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, रोजगार के लिहाज से भी वो फायदेमंद रहता है। एक और बात जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, इस टिहरी क्षेत्र को एक मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है। कभी आपको पब्लिक की ओर से ये लगा कि साहब यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, अगर वैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट को मेडिकल कॉलेज मिले यहाँ भी एक मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए? दिक्कत यह आ रही है भटजी कि हम मेडिकल कॉलेज तो खोल रहे हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं इस उत्तराखंड के अंदर, और हम ये कह रहे हैं कि भाई मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूट अगर आप बनाएंगे तो उसके लिए पेशेंट की ज़रूरत पड़ती है ना। अब आप देखिए जितने मेडिकल कॉलेज यहाँ चल रहे हैं, इंद्रेस है, इंद्रेस को जो है 40% का जो है कम वो दे के सहारनपुर और तमाम जगह से जो है पेशेंट डॉक्टर रेफर कर रहे हैं। ऐसे जो हमारा हिमालयन इंस्टीट्यूट है और वो है, तो उस पर भी मेरठ से लोग जो हैं वो 40% का रेफर करके डॉक्टर भेज रहे हैं। मतलब ठीक है, बड़े एक बड़ा इंस्टीट्यूट बन जाए जिस जैसे एम्स है, तो एम्स में सारी सुविधाएं हो जाएं, जिससे कम से कम हम पीएच जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो सीधा रेफर कर दे उसको, क्योंकि हर जगह आप बनाएंगे तो वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट को मेडिकल फैसिलिटी से मुहैया करा देंगे तो उसमें सारे विभाग के स्पेशलिस्ट होने चाहिए, वो वहाँ तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर तो हो सकते हैं, ब्लॉक हेडक्वार्टर पर नहीं होंगे, क्योंकि उनके बच्चों के डॉक्टर क्यों भागता है, डॉक्टर कहता है मेरे बच्चों का एजुकेशन पहला प्रेफरेंस वो देते। हम कहते हैं अगर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है एक अच्छा सा जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन जाए और उसमें ये सुविधाएं हो जाए। मैं आपकी बात समझ, आप कह रहे हैं इंटीग्रेटेड तरीके से प्लान करिए, डॉक्टर्स भी आ जाएं और एक ऐसा हॉस्पिटल बनाइए जिसमें सारी सुविधाएं मिल जाए, वो आप कह रहे हैं। लेकिन सर, जब विस्थापितों की बात आती है टिहरी के, फिर मैं देखता हूँ, मैं सर्च कर रहा था, ज्योति सिंह गुनसोला का कोई ऐसा बयान नहीं आया कि साहब मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके अधिकारों के लिए लड़ूंगा, और जो आपने कहा कि साहब मैं
संघर्ष करने वाला आदमी हूँ, तो वो संघर्ष आप इस बीच चुप क्यों हो गए? ये समझ में नहीं आया कि एक इतना खांटी पॉलिटिशियन जिसने जो सड़क पे लाठी खाता है, जिसने 77 में लाठी खाई, जिसने अनुभव है राजनीतिक अनुभव, वो स्मार्ट सिटी पे कुछ नहीं बोलता, वो जो भर्ती घोटाला था उस पर कुछ नहीं बोलता, वो विधानसभा के मामले में कभी नहीं बोलता, ऐसा क्या हुआ? आप अज्ञातवास में चले गए थे या आपने अपने को अपने का बहुत पॉलिटिक्स हो गई, कांग्रेस की इनफाइटिंग से बाहर ही रहना ज़्यादा अच्छा है? नहीं, संभवतः सीधा तो इस पर नहीं जुड़ा, सीधा नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्ट वे में हमने इन बातों को रखा है। पर सर, राजनीति में इनडायरेक्ट कुछ नहीं होता, आपको डायरेक्ट ही करना पड़ता है। डायरेक्ट ही करना पड़ता है। अब अवसर दीजिए ना, अब अवसर जनता दे रही है, डायरेक्ट करो। अभी आप कन्विंस कर रहे हैं, देखो अभी तक मैं इनडायरेक्ट था, मुझे डायरेक्ट करके मुझे अवसर दो। क्योंकि जो टीरी के विस्थापन की बात है, मूल रूप से मेरा जो गाँव है वो इस विस्थापन में आया, और उन तमाम विस्थापितों के साथ हम पारिवारिक रूप से भी जुड़े हैं और मॉरली भी हम जुड़े हैं उनके साथ, सब चीज़ें। अभी बल्कि मेरे सामने एक मुद्दा आया कि टिहरी के विस्थापितों का जो है पूर्ण विस्थापन नहीं हुआ है, आंशिक रूप से कई गांव ऐसे हैं जिनमें विस्थापन की आवश्यकता है, उस परिधि में लाने की आवश्यकता। हमने कहा आप संसद भेजिए, मैं वहाँ पर इस बात को उठाऊँगा। लेकिन वो कहेंगे आप संसद में उठाएंगे क्या? आप वो कहेंगे बीजेपी हमारा सांसद बना के भेजिए ना, हम डबल इंजन का आपको फायदा करके दिखाएंगे। वो सब जगह यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार, सांसद भी हमारा, अरे तो देखो कैसे डेवलपमेंट होता है, विकास की गंगा बहा देंगे। नहीं, नहीं, अब तक नहीं था, 10 साल तक क्या करते रहे? 10 साल तक तो डबल इंजन की सरकार थी ना, तो उसके मुद्दे हैं कहाँ? कौन सी योजना परियोजना इस टिहरी लोकसभा क्षेत्र में आई है जरा गिना दे। डबल इंजन दिल्ली में भी और यहाँ भी थी। हम कह रहे हैं कि परिवर्तन की लहर लाई है और टिहरी लोकसभा से लाई है, और केंद्र में जो है इंडियन अलायंस की जो है सरकार बनेगी, जवाबदार और जिम्मेदार सरकार बनेगी, गूंगी बहरी सरकार नहीं बनेगी। मैं खाली अपने मन की बात कहता हूँ, दूसरे की मन की बात नहीं सुनता हूँ। कभी सुना आपने हमारे उनको महानुभाव को? नहीं सुना। वो हमेशा अपने मन की लेकिन बात, वोट तो उन्हीं महानुभाव के नाम पे बस पड़ गया अब जितना पड़ा। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि साहब हम तो मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं क्योंकि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, आप किसके नाम पे वोट? अरे भाई, हम स्वयं के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये मांगे ना अपने, जो 12 साल तक जो है यहाँ की सांसद रही, कुछ तो करके दिखाया होगा, वो अपने नाम पे वोट मांगे ना, मोदी के नाम पे कितने दिन जिंदा रहेंगे? अब तो मोदी जा रहे हैं तो ये कहाँ से टिक पाएंगे, बताइए ना। मोदी इम्पैक्ट? हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको, मोदी इम्पैक्ट है ग्राउंड में? नहीं है, कहीं नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा। सर, कांग्रेस की इनफाइटिंग का नुकसान आपको हो रहा है? अब ये तो सच बता दीजिए कि इनफाइटिंग तो है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में जो है अपनी बात रखने का अवसर तो सबको मिलना चाहिए। इनफाइटिंग और बात रखने में बड़ा अंतर है ना। नहीं, बात को हम अपने प्लेटफॉर्म पे रखें, संगठन के अंदर रखें। मैं किसी चीज़ से ना इत्तफाक करता हूँ, संगठन में बात करूँगा, मैं सड़क पर बात नहीं करूँगा। किसी भी संगठन का स्वरूप होता है वो अपनी बात को रखे, क्या दिक्कत है? अब जैसे मैं देख रहा था आपकी प्रदेश प्रभारी की मैं बात करूँ, मैं वो तारीख भी देख रहा था, 10 और 11 फरवरी को एक 2 दिवसीय दौरे में आई, उसके बाद वो दिखी भी नहीं। यहाँ बीजेपी देखिए वो पूरे 365 दिन इलेक्शन बोर्ड में रहती है, तो जो सेंटर का आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, किसी भी तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए, आपको लगता है वहाँ थोड़ा मायूसी आपको मिली? अगर सेंटर पूरी तरह से, मतलब आपका आला कमान या बड़े लीडर्स आपको सपोर्ट करते, वो यहाँ आपके पक्ष में आते आएंगे, तो आपको ज़्यादा हौसला मिलता है? बिल्कुल आएंगे, और उनसे मेरी बातचीतें हुई हैं, दिल्ली भी बात हो चुकी है, और हमारे बड़े लीडर आकर जो है बड़ी सभा को भी करेंगे। उनका कहना है कि तब तक आप मोबिलाइजेशन में चलिए, अपना दौरा, और आप मोबिलाइज कर रहे हैं अभी, कर रहे हैं। अच्छा, एक और जनता को या आप एक सरप्राइजिंग फैक्टर भी थे कि ज्योत सिंह गुनसोला अचानक इतने लंबे अज्ञातवास के बाद सीधे सांसद के लिए मैदान में उतर गए, ये कॉम्बिनेशन कैसे बना? मतलब प्रीतम सिंह जी नहीं लड़ना चाहते थे इसलिए आपको मिला, या पहले से ये तय था कि नहीं साहब मैं लड़ूंगा इस बार? तो मैंने 3 साल पहले इस ओर जो है बिल्कुल कंसंट्रेशन करके पार्टी हाईकमान को बता दिया, और आप कह रहे हैं आप 3 साल से प्लानिंग कर रहे थे? 3 साल पहले मैंने ये कहा था कि अगर आप मुझे सांसद का जो है टिकट देते हैं तो मुझे 3-4 महीने पहले ज़रूर बता दें, क्योंकि मुझको इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब अंतिम दौर में हमको अगर टिकट मिला तो इस सारा 14 विधानसभा को जाने में सारा एग्जॉस्ट हो जा रहा है, क्या करें? नहीं तो आपको 3 महीने पहले ये इंडिकेशन था
तीन महीने पहले मैंने मांगा था कि आप जिसको भी बनाना चाहते, जिसको आप टिकट देते, हम तो पार्टी के सिपाही हैं, आज तक भी पार्टी के लिए काम करते रहे, जिसको भी टिकट मिला, प्रीतम जी को मिला, प्रीतम के भगुना जी को मिला, भगुना जी के लिए काम किया, ऐसा नहीं है हमारा। और ये सब लोग भी आपके लिए भी काम करेंगे। तो आपका ये मानना है कि जो प्रजा है वो प्रजा इस बार आपके साथ खड़ी है? ज़्यादा प्रजा का जो समर्थन है वो हमारे साथ मिलता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। आपके इश्यूज क्या रहते हैं? जैसे आप पब्लिक में जाते हैं, आप उन्हें क्या कहते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं उन्हें? मैं बहुत साधारण भाषा में बात करता हूँ, कोई वैसी भाषा में बताइए ना, लाग लपेट कुछ नहीं है। हमने कहा देखिए, आपका और आपके बच्चों का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि सशक्त जो है सरकार चाहिए। अब सरकार किस चीज़ से बनेगी? जमानी जमा खर्च तो नहीं बनेगी, सरकार तो अपना मत दे के बनेगी ना, मत का दान करिए और दोनों तीनों लोगों को सामने रखिए, कंपरेटिव बनाइए, कहीं पर हम भारी लगते हैं तो हमको मतदान हमारे पक्ष में कर दीजिए, मैं बरगला नहीं रहा हूँ, है ना। ये सीधा सीधा वो है, क्योंकि हमने कहा 10 साल जो है बीजेपी ने सरकार चलाई और 10 साल में लोगों के ऊपर ऐसा जादू करने का प्रयास किया कि लोगों को सोचने की फुर्सत ही नहीं दी गई, जिसको कहते हैं अधिकांश लोगों। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अंतिम दौर में हमने कहा देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया, मुद्दा है, आप बता पा रहे पब्लिक को? मैं बता पा रहा हूँ बहुत आराम से। कैसे बताते हैं आप? मैं बता रहा हूँ आप ही से, बहुत आराम का है कि देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सिलसिला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, और भ्रष्टाचार भी ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान भ्रष्टाचार हुआ, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल है ये। लेकिन उस स्कैंडल के पार्टिसिपेशन तो आपका भी, क्योंकि पैसा तो आपको भी मिला? नहीं, नहीं, हमको जो सारी पार्टियों को मिला? नहीं, नहीं, जो तो अगर स्कैम है तो उस स्कैम में तो आप भी शामिल हैं। नहीं, नहीं, देखिए, हमको मिला, हमने जवाबदारी से उसको खर्च किया। अरे भाई, 5-स्टार मतलब जो है दफ्तर बनाने के लिए नहीं मिला वो पैसा, पार्टी को कितना बड़ा मेजर इशू। पार्टी को चंदा मिला, 5-स्टार अपने दफ्तर बनाए, क्या बनाए, लेकिन वो अगर आप उसको स्कैम कहते हैं तो उस स्कैम के हिस्सेदार तो आप भी हैं। हम जवाबदार हैं, जितना दिया हम उसकी जवाबदारी, वो तो बताए ना कि कहाँ खर्च किया, बता दें। 7,000 करोड़ रुपया है, वो छोटा मोटा पैसा नहीं है, 90% उनको दिया गया है, और जिन्होंने दिया वो किस आधार पर दिया? भाई हम तो सड़क पर थे, अन्य पार्टियाँ तो सड़क पर थी ना, उनसे तो कोई धंधा नहीं होना था। चंदा जो दिया गया वो धंधे के लिए तो दिया गया। अरे भाई, मुझे कोई चंदा दे रहा है 10 रुपया 20 रुपया 10,000 रुपया तो इसने क्या दे रहा है ना, और 10-20 करोड़ रुपया दे रहा है, 50 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया, 1,000 करोड़ रुपया दे रहा है, तो किसी का और दे। आप टिहरी की जनता को इलेक्ट्रल बॉन्ड समझा रहे हैं? मैं उनको असलियत बता रहा हूँ कि ये लोग क्या हैं, कैसा छल करते हैं। अब ये देखिए ना, इतना बड़ा छल जो रहा, अब मैं जो हमारी सांसद हैं 12 साल से लोगों के बीच में नहीं जा पाई, वो ठीक है, मुझे जरूरत किया जब मोदी जी साथ में है तो। अरे भाई, तो राजा रानी महल से बाहर क्यों निकलेंगे? लेकिन इस समय टीवी की लोकसभा की जनता ये कह रही है कि भाई हमें आप जैसा आदमी चाहिए, जैसा तो नहीं हूँ मैं, जैसा हूँ तैसा आपके सामने हूँ, और मैं आपको मैंने कहा आश्वस्त करता हूँ कि मैं आपके मुद्दों को सदन में भी उठाऊंगा जो सदन के लायक होंगे, और सड़क पर भी उठाऊंगा। आप क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के भी अध्यक्ष रहे, तो इस बार आपका फेवरेट शॉट क्या है राजनीति के मैदान में? सीधा बोर्ड। नहीं, बोर्ड तो जनता करेगी। नहीं नहीं नहीं, जनता तो अदालत है, आप मेरे वकील हैं, मैंने वकालतनामा साइन कर दिया, अब देखते हैं जीत हार केस कैसे जीता जाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको सांसद बना दिया, आपकी 3 प्रायोरिटीज क्या होंगी? सबसे पहले मेरी प्रायोरिटीज होगी कि मैं पार्लियामेंट में जाऊं, वो दर्शक दीर्घा वाला सपना पूरा करूं। पूरा करूं। दूसरी मेरी होगी कि मैं नौजवान और तमाम लोगों के रोजगार और प्लान की बात पर मुद्दा रखूं कि कोई परियोजना तो आए, परियोजनाएं आएंगी तो निश्चित है कुछ न कुछ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। हमने तब भी कहा था जब मैं यहाँ विधानसभा में था, मैंने पहला मुद्दा उठाया था कि हम
70% उद्योगों में जो है स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करें, है ना। लेकिन उसमें भी दिक्कतें हुई, लोग बाग उद्योग आए, 70% की जगह कुछ लोग बाहर से ही आ गए उनके साथ, फिर भी चलो कुछ लोगों को रोजगार मिला। ऐसे ही परियोजना अगर हम टिहरी लोक संसदीय क्षेत्र में कोई लाते हैं तो उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तीसरा सबसे बड़ी बात जो है वो उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है, बोली भाषा का सवाल है, उसको अनुसूची में लाना जरूरी है। तभी हम केंद्र की अनुसूची में अगर जुड़ गए तो कम से कम राष्ट्र के अंदर ये तो कहेंगे कि भाई गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी कोई बोली भाषा है। अभी तक तो हमारी अपनी अपनी राग ढप ली है, तो कुछ पहले दूसरा में रही है। तीसरा ये है कि हम ऐसे अवसर पैदा करें जिससे जो छात्र बीटेक, एमटेक और ये तमाम डिग्रियां लेके चल रहे हैं ये सड़कों पे ना घूमें, है ना। और सड़कों पर ना घूम के कुछ नौजवान तो इस तरह बेहताश हो चुके हैं कि उन नशे की जद में जा चुके हैं, है ना। तो उनके हाथ को अगर हम थोड़ा सा रोज़गार देंगे तो नशा भी ख़त्म होगा और आर्थिकी भी संपन्न होगी। एक आखिरी सवाल, अग्निवीर इशू है इस इलेक्शन? हाँ, 100% है अग्निवीर का। तो ये इशू इतना बड़ा इशू हो चुका है, मेरा क्षेत्र जो है सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर सवाल इस बात का, क्योंकि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या अग्निवीर सही है। मैंने कहा भाई अग्निवीर इसलिए नहीं सही है कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसको जो अगर बॉर्डर पर तैनात कर दिया जाता है, चला गया और वो हताहत हो गया, शहीद हो गया, तो दुख इस बात का होता है कि उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको तिरंगे में लिपट के यहाँ नहीं आएगा। अभी हमारा एक साथी पिथौरागढ़ में का था, बॉर्डर पर जो है हताहत हुआ। एक अमृतसर का था, वो हताहत हुआ, उनके शव को वो सम्मान नहीं मिला, शहीदी सम्मान नहीं मिला, उनके परिवार को कोई पेंशन नहीं मिली और न मिलेगी। तो ऐसे में जब आप ये कहते हैं कि हम 4 साल बाद जो है 75% को सड़क पर खड़ा कर देंगे, 25% को रेगुलर आर्मी में जगह देंगे, अरे भाई जगह देने के लिए आपका 5 लाख वैकेंसीज है इंडियन आर्मी में, क्यों नहीं उसको रेगुलर आर्मी रिक्रूटमेंट किया जाता, उसका रिक्रूटमेंट करें, उसको पेंशन का हकदार बनाए, उसको तिरंगे का लिपटने के शहीदी सम्मान का हकदार दे, क्यों नहीं दे सकता। तो ये सब मुद्दे हम लोग, पहला हमारा इंडियन अलायंस का सरकार बनेगा, पहला मुद्दा इसका जो है अग्निवीर को समाप्त कर रेगुलर भर्ती की जाएगी। चलिए, वन रैंक वन पेंशन में निचले लोग बड़े नाराज हैं, बोले हमें तो मिला ही नहीं। बहुत ज़्यादा नाराज हैं, 36 स्टीम है इसमें और 36 स्टीम का अभी तक कैलकुलेशन नहीं हुआ है। वो तो बेचारे ऊपर वाले जो अलग स्टीम के वो कुछ पाए, अधिकारियों को मिल गया, अधिकारियों में। और दूसरा ओपीएस का है जी, ओल्ड पेंशन जो है उसका भी बहुत बड़ा चारों तरफ। आप सपोर्ट करते हैं ओपीएस? बिल्कुल, मैं करता हूँ, क्योंकि हमने राजस्थान में दिया, राजस्थान सरकार में जो है अशोक गहलोत की सरकार ने ओपीएस दिया, हिमाचल में ओपीएस दिया, छत्तीसगढ़ में ओपीएस दिया, तो क्यों नहीं ओपीएस का अन्य सरकारें क्यों नहीं देती। आप वन रैंक वन पेंशन सपोर्ट करते हैं, आप ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम के बजाय ओल्ड पेंशन स्कीम को सपोर्ट करते हैं। आपने वो गणेश जोशी जी जो मसूरी के विधायक हैं, अभी मंत्री हैं, उनका बयान सुना, अरे ये किस लिए चुनाव में आ गया, ये तो कहीं दूर दूर तक नहीं था। मैंने उसका जवाब इसलिए नहीं देना चाहता हूँ, बट आपको देना चाहिए। नहीं नहीं, मैं जहाँ अब आपसे बात हुई तो आपके सामने दूंगा, जब सबके सामने जाएगा जी। वो मंत्री हैं, विधायक हैं और भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि जब भी बात करें सोच समझ कर बात करें। मुझसे कहते हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अरे मुझसे बूढ़ी तो है रानी साहिबाई 1950 की, मैं तो 54 का हूँ, उनसे पूछो ना कि वो क्या कर रहे हैं। और रही बात, हर तीसरे दिन तो हमारे यहाँ आ जाता है तो मसूरी में, बड़े भाई कह के जो बड़े भाई चरण स्पर्श करता हूँ। अब आज अच्छा, आपसे ऐसा चलता है उनका? बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, करना पड़ेगा भाई। मैं बड़ा हूँ तो बड़े को सम्मान, मैं छोटे को प्यार देता हूँ, लेकिन जब राजनीतिक द्वंद्व है तो अपनी जगह द्वंद्व है। मैं कांग्रेस की बात करूँगा, मैं बीजेपी की बात कैसे कर सकता हूँ। मैं अगर ये कहूँगा, आज आपके साथ कहता हूँ कि सैन्य धाम में जो है क्या हो रहा है, सैन्य धाम बनाया गया, तमाम ड्रामा करके मिट्टी लाई गई सैनिकों के आंगन की, और वहाँ देखिए कितनी एजेंसियाँ बदल चुकी हैं,
जरा देख लीजिए क्या नहीं हो रहा है हॉर्टिकल्चर में, कितना बड़ा ताम झाम हुआ। लेकिन वो तो जब जांच के विषय हैं सब, जांच के विषय में दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। साहब गुनसोला जी, आपको रोका किसने था? आप सैन्य धाम के लिए बवाल मचा देते, आप हॉर्टिकल्चर के लिए बवाल मचा देते। देखिए हमने हॉर्टिकल्चर में 18 एपिसोड किया, आप मुझे बताते, मैं आपको अपने साथ जोड़ता ना। अब आगे जोड़ लीजिए अब जब आप सांसद बनेंगे। चलिए बहुत अच्छा लगा गुनसोला जी आपसे बात करके, मेरी शुभकामनाएं हैं। आप जिन भी मुद्दों को लेके जा रहे हैं ये तो जनता जनार्दन तय करेगी किसको जिताना है। बहरहाल आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। टिहरी लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योत सिंह गुनसोला का कहना है उनका ख्वाब है पार्लियामेंटेरियन बनना और टिहरी के मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाना। जाहिर है जनता जनार्दन को तय करना है वो किसके सिर ताज पहनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास इंटरव्यू को देखने के लिए।